दीक्षा भूमि परिसर के अंदर पुलिस और दमकल विभाग के कर्मचारियों को देखकर आसपास के लोग चौंक उठे। दीक्षा भूमि में बम विस्फोट होने की खबर मिलने पर पुलिस का दल करीब 9 मिनट के अंदर घटनास्थल पर पहुंचा और मोर्चा संभाल लिया। बम विस्फोट में 3 लोगों की मौत हो गई और 27 लोग जख्मी हो गए। जख्मी लोगों को बाहर निकालकर उन्हें एम्बुलेंस के अंदर बैठाकर अस्पताल भेजा जा रहा था। लोगों को जब पता चला कि जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में आपदा प्रबंधन विभाग, पुलिस विभाग व अन्य विभाग की ओर से संयुक्त रूप से मॉक ड्रिल की गई है, तो नागरिकों ने राहत की सांस ली। शहर पुलिस और अन्य विभाग किसी आपातकालीन घटना होने पर कितना चौकन्ना है, इसका जायजा लेने के लिए दीक्षा भूमि परिसर में बम विस्फोट की मॉक ड्रिल की गई। मॉक ड्रिल इस तरह से किया गया कि जैसे सचमुच बम विस्फोट हो गया। बुधवार की सुबह करीब 9:12 पर बजाज नगर पुलिस को सूचना मिली कि दीक्षा भूमि में बम विस्फोट हो गया है। 9:21 पर बजाज नगर पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मोर्चा संभाल लिया। 9:18 पर दमकल विभाग के जवान भी पहुंच गए थे। 9:22 पर एम्बुलेंस पहुंच गई। 9:25 में राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग के जवान भी पहुंच गए। 9:27 पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन का दस्ता घटनास्थल पर पहुंच गया। सभी दस्तों ने कार्य शुरू कर दिया। घटनास्थल पर होमगार्ड्स, स्वयंसेवी संस्थाओं के जवान, नेहरू युवा बल केंद्र के पदाधिकारी मदद के लिए पहुंच गए थे। इस दौरान यातायात पुलिस ने भी दीक्षा भूमि की ओर जाने वाले मार्ग पर यातायात को नियंत्रित करने का कार्य बखूबी किया। घटनास्थल पर बम विस्फोट में जख्मी चेहरे, एम्बुलेंस की आवाज, दमकल विभाग के वाहनों की आवाजाही देखकर पास के क्रिकेट मैदान पर खेल रहे खिलाड़ी हैरत में पड़ गए। घटनास्थल पर बनाए गए अस्थायी मदद केंद्र से अनाउंसमेंट हो रहा था कि कुछ और बम मिले हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन का दस्ता और बम निरोधक दस्ता कार्यवाही में लगा हुआ है। सुबह करीब 9:45 पर उप विभागीय अधिकारी शेखर घाटगे, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी अंकुश गावंडे ने मॉक ड्रिल समाप्त होने की घोषणा की। इस दौरान राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन विभाग के दस्ते ने 28 जवानों का नेतृत्व करने वाले निरीक्षक बिपिन सिंह, राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के पुलिस निरीक्षक प्रतीप भजने, पुलिस उप निरीक्षक अमोल गोखले, परिचारिकाएं, दीक्षा भूमि परिसर में 3 महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. अरविंद जोशी, आशीष द्विवेदी, सिद्धार्थ मैस्कर व अन्य अधिकारी कर्मचारी मॉक ड्रिल में शामिल थे।